तो स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमके टेक्निकल में। तो गाइस यहाँ पे हम ड्रीम इलेवन की टीम बनाने वाले हैं। वैसे बेसिकली हमारे YouTube चैनल पे पहले हम बहुत सारे टीम्स बनाते हैं ड्रीम इलेवन के बारे में, लेकिन अब आज से हम फिर से स्टार्ट करें कि हम आपको ड्रीम इलेवन की बेस्ट टीम दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे जीत सके। तो चलिए फटाफट आप चलिए ड्रीम इलेवन की वेबसाइट पर ड्रीम इलेवन आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन नहीं है तो नीचे आपको लिंक दी, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी आप कमा सकते हैं। वैसे मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक मैंने कितने पैसे यहाँ पे कमाए हैं। तो अभी जो आज टीम जो हमारी खेलने वाली है वो मुंबई वर्सेस कोलकाता और पंजाब वर्सेस राजस्थान है। तो इन दोनों टीम मैंने यहाँ पे बना के रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे लिए हैं ताकि आपकी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाए। तो मैं यहाँ पे माई टीम में चला जाता हूँ। माई टीम में जाने के बाद मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। तो एडिट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली बेसिकली पहले से यहाँ पे टीम बना रखी है ताकि आपका टाइम यहाँ पे बच सके। तो यहाँ पे सबसे पहले विकेट के ऊपर बात करते हैं, तो विकेट कीपर यहाँ पे आपको मिलेगा ईशान किशन को आप यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे और बहुत अभी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे दिनेश कार्तिक भी आप ले सकते हैं, दोनों में आपको जो चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आप कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है आप ईशान किशन को ले लीजिए यहाँ पे। तो बैट्समैन की अगर यहाँ पे बात करें तो बैट्समैन यहाँ पे रहेंगे रोहित शर्मा, रॉबिन उत्तप्पा, नीतीश राणा और सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे मैंने चार प्लेयर यहाँ पे बैट्समैन लिए हैं। ऑलराउंडर के यहाँ पे अगर बात करें तो एंड्रयू रसेल को आप यहाँ पर लेना है, हार्दिक पांडे और कृणाल पांडे जी को आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये आपके हो जाएंगे ऑलराउंडर। बॉलर की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है, माइकल है और एक लास्ट जो प्लेयर यहाँ पे मैंने लिया है वो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ पे तीन प्लेयर लिए हैं, मैंने तीन बॉलर यहाँ पे लिए हैं। तो ये सारे हमारी टीम यहाँ पे बन जाती है और इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो हमने यहाँ पे कैप्टन बनाया है सूर्य कुमार यादव को और वाइस कैप्टन बनाया है हार्दिक पांडे को, क्योंकि भी फिलहाल दोनों फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हो सके कि अगर आज ये चल जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पैसे जीत सकते हैं। तो ये हमारी पहली टीम थी जो हमने यहाँ पे बनाई है। चले आते हैं हम यहाँ पे होम पे फिर से, और हम आज जो टीम नेक्स्ट खेलने वाली है वो है पंजाब वर्सेस राजस्थान। तो ये टीम थोड़ी ध्यान से बनाएंगे क्योंकि ये टीम बनाने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। स्टडी इसलिए किया था कि इतना कन्फ्यूजन था टीम की कौन सी बनाएं। तो यहाँ पे मैंने जो फाइनली मेरी ओर से मैंने बेस्ट टीम बनाने की कोशिश की। तो बात करते हैं विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर यहाँ पे रहने वाला है बटलर को आप यहाँ पे विकेट कीपर रखिएगा। बैट्समैन की अगर बात करें तो चार बैट्समैन यहाँ पे लिए हैं, जिसमें क्रिस गेल तो हमेशा होने ही वाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर जो हमारे हैं वो संजू सैमसन होने वाले हैं। करुण नायर यहाँ पे मैंने लिया है और एक जो प्लेयर मैंने लिया है वो है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल आप ले सकते हैं, फिलहाल ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आप ले सकते हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर हमेशा मैं तीन ही रखता हूँ और तीन ही होते हैं, और तीन आपको लेने चाहिए क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। तो लग बाय चांस एक भी अगर बंदा चल जाए तो हम भी ऊपर पहुंच जाएं। तो बेन स्टॉक को आप यहाँ पे ले लीजिए, अश्विन को यहाँ पे लेना ही है, अश्विन को आप यहाँ पे ले सकते हैं और कृष्णप्पा को आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये हमारे ऑलराउंडर हो गए। बात करते हैं बॉलर की, तो बॉलर जो है वो एंडरसन टायर आपको लेना है, मुजीब मुजीब को आप यहाँ पे आपको ले लेना है, और जो लास्ट प्लेयर है वो हमारे अंकित राजपूत को आप यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे आप इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे बेस्ट प्लेयर हैं, इनके बारे में मैंने स्टडी की, हो सकता है आज यहाँ पे ये खेल जाए और आपका लग यहाँ पे चल जाए। बात करते हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन की, तो यहाँ पे कैप्टन मैंने रखा है संजू सैमसन को और क्रिस गेल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्रिस गेल को हमने कैप्टन रखा है और संजू सैमसन को हमने यहाँ पे वाइस कैप्टन रखा है। तो दोनों अलग अलग टीम से हैं, दोनों अगर अच्छी तरह से खेलेंगे तो हो सके कि आप आज यहाँ पे अच्छी जीत जाए। बात करते हैं कि कौन सी लीग आपको यहाँ पे खेलनी चाहिए। तो बेसिकली आपको बता दूँ कि जिसके विनिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर लेता हूँ और शॉर्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे 26 रुपये की ज़्यादातर लिंक आती है, लीग आती है 26 रुपये वाली है, और यहाँ पे अभी ये टीम इन्होंने हटा दी है। कोई बात नहीं, आने वाले समय में यहाँ पे वापस अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी जो होती है 1-1 लाख से लेकर 10 लाख 25 लाख की जो टीम होती है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर चार प्लेयर जो खेल रहे हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो अमाउंट है वो जितने के अमाउंट वो ज़्यादा हो जाए, आप यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे कमा सके गाइस। तो ये टीम आप आज बना लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये टीम आज बहुत अच्छी खेलेगी और आप यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे कमा पाएंगे। कल जो मैंने टीम लगाई थी उस पर मैंने करीबन 150 रुपये जीते थे, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, और आज की टीम भी मेरी चलेगी लग बाय चांस बहुत अच्छी तरह से चलेगी। तो आप ये टीम ही बिल्कुल बनाइएगा, थोड़े से चेंजेस आपको अगर करने तो आप कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि आने वाले समय में हर रोज हम यहाँ पे आप ड्रीम्स इलेवन की वीडियो देने वाले हैं। तो आप हर रोज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और नई नई जो ड्रीम्स इलेवन की टीम अच्छी अच्छी जो बन रही है उसके बारे में आप जानिए, और अपनी टीम भी इस तरह से बनाए ताकि आप यहाँ पे ड्रीम्स इलेवन से अच्छी तरह खासे पैसे कमा सकें। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।